देवास से आई हूँ। राम कुंवर दोषी मेरा नाम है और ये मतलब शुरू से ही आखिरी तक के हम ये चीज़ बनाते हैं। 150 प्रकार की झाड़ू बनाती हूँ मैं। उसके बाद में भी जैसे गणेश जी की मूर्ति बनाती हूँ, मोर वगैरह बनाती हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि ये गुलाब भी बनाती हूँ। गमले, गुलदस्ते, सब इन चीज़ का खोड़िया का ही बनता है। पहले लोकल झाड़ू हम बनाते थे, उसके बाद में ये सोचा हमने कि जैसे अपन भी ये चीज़ बनाते रहते हैं तो इससे क्या लाभ मिलेगा अपन को, इसकी सेलिंग होएगी या नहीं होएगी ये अपन बना के तो देखें। तो उसकी सेलिंग तो होती ही है, बाकी ऐसे अपन कभी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, और वैसे तो लोकल धंधा है ये हमारा, बाकी इतना लाभ नहीं मिल पाता इसमें। जितनी इसमें लागत लगा देते हैं उसके लाभ नहीं मिल पाता हमको। बनाते ये इसका है, जैसे पहले इसके तांत निकालते हैं, पहले खजूर से पत्ती गिराते हैं, खजूर से पत्ती गिराने के बाद में फिर इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में फिर इसकी कुटाई करते हैं, डंडे से झाड़ करते हैं, उसके बाद में फिर इसके तांते निकालते हैं, तांत निकालने के बाद में फिर मूड बनाते हैं, मूड बनाने के बाद में फिर ये जो लाइलून वगैरह रहता है जो इससे कच्चा बना के, और फिर हम इसको पक्का बनाते हैं। तो ऐसे हर घर में जैसे हमारे बच्चे लोग उन्होंने भी बनाते रहते हैं, स्कूल से आने के बाद में पूरा टाइम इसमें ही करते हैं। कब से कर रहे हैं आप? ये तो हमारी जैसे हमारे बाप दादा भी इस चीज़ को करते आए थे, बहुत पुरानी चलती आ रही परंपरा से, बाकी वो लोकल बनाते थे। ये फिनिशिंग माल तो आप जो ये 10 साल से हम बनाने लगे हैं, इधर इधर जाते आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ये लोग बाग हमको बुलवाते हैं, सरकार द्वारा हमको बुलवाते हैं, लेटर वगैरह देते हैं, वहीं हम जाते हैं। तो सरकारी सहायता भी आपको इस काम में मिलती है? सरकारी सहायता तो अभी तक तो नहीं मिली मैडम, सिर्फ यही है कि जैसे सेल वगैरह लगाते हैं उसकी जो बिक्री होती है बस उससे ही हमारा आने जाने का किराया भाड़ा खर्चा पूरा सरकार देती है। जी, अब यहाँ आए आप, यहाँ किसके किसके बताने पर, कैसे यहाँ पे आए? ये आए हम बसंत भाई के बताने से, बसंत भाई ने हमको बुलाया था, तो ये काम वगैरह भी हम सिखाते, ट्रेनिंग भी देते हैं, जो सीखना चाहता है उसको सिखाते भी हैं। और जैसे मान लो ये कच्चा माल नहीं रहता है तो हम कच्चा माल भी साथ लेके आते हैं और उनको सिखाते हैं ये ट्रेनिंग। इसके अलावा भी आप कहीं जाते हैं? हाँ, अब हैदराबाद भी हम लोग गए हैं, पुणे भी गए हैं, अब ये दिल्ली में भी 2-4 बार होके आए हैं, उसके बाद में भी फिर जैसे नासिक है, वर्धा है, आदिलाबाद है, सब दूर होके आए। वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटी झाड़ू ये दावा है हमारा कि इससे छोटी झाड़ू कोई हमारे अलावा कोई बना नहीं सकता। इसमें कम से कम मेरे को साल भर लगा है इसको बनाने में, काफ़ी मेहनत की है मैंने इसमें शुरू से तो आखिरी तक। मैं ऐसा सोचती थी कि ये सब लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है तो अपना क्यों नहीं आ सकता, खजूर की पत्ती में अपन ये बना सकते हैं।